ভারত ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকায় এসএসপি 53 নম্বর ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে ডেভেলপমেন্ট সিভিক প্রোগ্রাম প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যুবক যুবতীদের। সেই ভিত্তিতে 28 দিন পূর্বে 21 জন যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করা হয় এসএসপির পক্ষ থেকে। তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ায় আজ তাদের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট মনোহর লাল। তিনি জানান, এসএসপি বিভিন্ন সীমান্ত এলাকার ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যাতে সীমান্ত এলাকার যুবক যুবতীরা স্বনির্ভর হতে পারে। সারা বছর সিভিক প্রোগ্রাম চালান এসএসপি, যেমন ড্রাইভার ট্রেনিং, মেকানিক্যাল ট্রেনিং, কম্পিউটার কোর্স, বিউটিশিয়ান ট্রেনিং প্রভৃতি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সাথে মাঝে মধ্যে খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সেইরূপে গত মাসে সীমান্ত এলাকার যুবতীদের বিউটিশিয়ান ট্রেনিং দেওয়া হয়। তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ায় এদিন তাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এসএসবি পুরা সাল ভর কহিন না কহিন আমরা ইয়ে আর জিতনি আমার কোম্পানি হর কোম্পানি কে হিসে কে অন্দর যা করকে কুছ না কুছ সিভিক একশন টাইপ প্রোগ্রাম করতে হ্যায়। চাহে ও ড্রাইভিং সে রিলেটেড হো, মেকানিক্যাল কা কোর্স হো, রিপেয়ারিং কা কোর্স হো, টেলরিং কা কোর্স হো, ইস তরহ সে বহুত সারে কোর্সেস হ্যায়। और स्पोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन आइटम का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जहाँ जहाँ जरूरत होती है। अब आज ही जयगांव के अंदर न्यूट्रिशन का कोर्स चला था महिलाओं के लिए स्पेशली। इससे पहले हमने महिलाओं के लिए ये कोर्स चलवाया था, कंप्यूटर ट्रेनिंग का लंकापाड़ा में चला था, वो भी बहुत अच्छा आउटकम था। आज भी आज इस कोर्स का समापन हो रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। जितने भी ट्रेनिस थे, पार्टिसिपेंट्स थे, सही टाइम पर आए और इनके लिए भी बहुत लाभकारी होगा। हाल में कराटे का, हाँ, वो रंगा माटी के लिए आने वाला जो साल है उसमें हम प्रपोज कर रहे हैं, खासकर महिलाओं की वहाँ डिमांड है तो हम प्रपोज कर रहे हैं कि जैसे अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या मार्च के बाद में जो भी हमारा प्रोग्राम चलेगा रंगा माटी में तो महिलाओं के लिए जरूर हम कराटे का ट्रेनिंग करवाएंगे। অপরদিকে প্রশিক্ষণ পেয়ে খুশি যুবতীরা তারা জানান, আগামী দিনে তারা এই কাজ করে রুজি রোজগার করতে পারবেন অথবা তারা অন্য কাজ করলেও করতে পারে, কিন্তু অন্য কাজে সমস্যা হলে তারা এই কাজে নিজের সংসার চালাতে পারবেন। বহুত আচ্ছা থা আর যে টিচার থি আমারি উসনে ভি বহুত আচ্ছে সে সিখায়া হামকো আর হাম ভি ঘুল মিল কর সব সিখ পায়ে। जी क्लास 11 में पढ़ती हूँ जी। अगर हम इसे डेली प्रोसेस में ट्रेनिंग करते रहे तो हम इसे इसको ही प्रोफेशन बना सकते हैं फ्यूचर में। सोचे तो दूसरा सीए के लिए, लेकिन इस कुछ नहीं हो पाया तो हम इस ये ट्रेनिंग के द्वारा किसी और को भी सिखा सकते हैं। जी मैंने ये ट्रेनिंग करने के बाद गांव में भी किसी किया है ये सब। कितना लोगों को? दो तीन लोगों को। बहुत अच्छा लगा। कितना सीख पाया? ऑलमोस्ट सब सीख लिया मैंने। क्या क्या सीखा? फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, आईब्रो और हेयर कटिंग जी। अगर अच्छे से अगर हम लोग प्रैक्टिस चलता रहा, हाथ बैठा रहा, तो हम लोग बाहर भी काम कर पाएंगे। इस ये लेके प्रोफेशन तो नहीं है पर खुद पे ट्राई कर सकते हैं या किसी पे जिसको मन है उस पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी प्रोफेशन बनाने का कुछ सोचा नहीं है। 20 स्टूडेंट का ट्रेनिंग हुआ है यहाँ पे, जैसे ब्यूटिशियन का एक महीने का ट्रेनिंग हुआ है और उन लोगों को बेसिक, जैसे बेसिक जो भी होता है, थ्रेडिंग हो गया, हेयर कटिंग हो गया, फेशियल है, पेडिक्योर, मनी, ये सब कुछ सिखाया गया है यहाँ पे। 30 डेज का ट्रेनिंग था। अच्छा, आप ये बच्चे लोग बाहर जाकर काम कर पाएंगे? डेफिनेटली, प्रैक्टिस में रखेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे।